की बहन बेटियां सड़कों पर उतरी हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। मैं उनके लिए आई हूँ। मैं देश की बेटियों के साथ हूँ, मैं देश के पहलवानों के साथ हूँ, मैं देश की खिलाड़ियों के साथ हूँ। और जहाँ भाजपा सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, 9 साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकार का ये नारा कहीं भी रंग ला रहा है, क्योंकि हम लगातार सड़कों पर ही आ रहे हैं। जहाँ लोग अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते, वहाँ खिलाड़ियाँ अपना रुतबा दिखाकर देश के गौरव का सम्मान लेके आ रहे हैं, वहाँ उनके सम्मान की कोई इज्जत ही नहीं कर रही है सरकार। तो आगे आगे हमें भी निकलने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि सरकार हमारे लिए क्या करेगी। ये केवल एक विनेश फोगाट की, साक्षी मलिक की या बजरंग की लड़ाई नहीं है, ये इस देश की उन लाखों हजारों बेटियों की लड़ाई है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हम अपनी बेटियों को वैसे ही खेलने के लिए बाहर नहीं भेजते कि उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये लड़ाई केवल उन बेटियों को बचाने की है, आने वाली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई अकेले विनेश फोगाट या साक्षी मलिक की लड़ाई नहीं है, उनकी कम से कम बात तो सुनी जानी चाहिए। तो आज के प्रदर्शन को अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम यहाँ की जनता के साथ दिल्ली कूच करेंगे और इस गंभीर भैरी सरकार की जो आंखें हैं वो खोलने का काम करेंगे। रो रही है बिल्कुल, ऐसे आंसू नहीं आते कभी किसी के ऊपर, वो आंसू जब भी आते हैं जब दिल के अंदर दुखी होते हैं। सारी महिला रो रही है। जंतर मंतर पर जो धरना जारी है उसको लेकर पहलवानों से संबंधित यहाँ पर एक जो है समर्थन के साथ जो है यहाँ पर एक आप कह सकते हैं साइलेंस आंदोलन हुआ आज मशाल के साथ, और पहलवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कैलाश पहलवान जी, इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहे हमारे साथ इंडिया न्यूज फाइट पर। सर स्वागत है आपके इंडिया न्यूज फाइट पर। ऐसा है कि जो गोल्ड मेडल हमारे देश के लिए आया था, हमारा देश का गौरव सबसे बड़ा ऊंचा रहा, और जनगण मन गा करके उनको तिरंगा दिखाते हुए बहुत इज्जत की, आज उसका पूरा देश उसकी खुशी में मनाते हुए आज उनका ये सम्मान हो जो रोड पे बैठे और उनको फिर पुलिस आके मारे, धरना प्रदर्शन नहीं करने देते। उन्होंने अपनी FIR दर्ज करने के बारे में कहा, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फिर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जब एप्लीकेशन डालने के बाद जो वो FIR लॉन्च करने के लिए कहा, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं। तो मतलब एक पहलवान तो गोल्ड मेडल लिस्ट है और यौन शोषण का आरोप लेते हुए वो चल रहे हैं, और उनकी इस तरह की महिला का इस तरह की दुर्गति जो करना है, ये हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। जी बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल बेड लेकर गए थे सोमनाथ भारती जी, उनको बेड भी नहीं लेने दिया गया। बेड नहीं लेने दिया, बरसात हो रही थी, बरसात में सोने नहीं दिया, काफी जो उनको हरेसमेंट किए, एक आध बार पहलवानों का सिर भी फोड़ दिया। इस तरह की तानाशाही हमारे देश के अंदर जो देखते आ रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। जो बीरचि भूषण जो है ना सिंह, इनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, अगर इंसानियत की अगर बात करें तो उनको हटाया जाए, बिल्कुल उस पद से हटाना चाहिए, मंत्री पद से भी हटाया जाए, उसको हटाया जाए वहां पर, तो ही फिर आगे बात बढ़े। अब कह भाई ये कह रहे हैं कि भाई जांच करेंगे, अरे जांच क्या करोगे, जांच हो रही है। जब ये तो पहलवान खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट है जो हमारे बीच में आकर के बैठ के और रो रही है, बिल्कुल ऐसे आंसू नहीं आते कभी किसी के ऊपर, वो आंसू जब भी आते हैं जब दिल के अंदर दुखी होते हैं। सारी महिला रो रही है, इतनी अन्याय जो देश के अंदर हो रही है ये बर्दाश्त के काबिल, और ये किसी जातिवाद का कोई नहीं है। कई लोग इसको इस तरह से ढालते हैं, भाई ये जाट बिरादरी है, ये वो बिरादरी है, हम सभी बिरादरी के इसमें शामिल है। मैं सुन्नी हूँ, ये कोई बनी आए कोई यादव है, हर एक जाति के, और इस विरोध में जो पहलवानों के हक में और इस विरोध में जो है हम आ रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो उनको इस बारे में सुनाई करनी चाहिए। हम तो इतनी आप सभी को ये बात अपनी तरफ से बता सकते हैं, ये तो जो संघर्ष होगा वो करेंगे। इस विषय पर क्या देखिए, आज का जो प्रदर्शन हुआ वो आजाद चौक पर है जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे पहलवान जो इस देश का गौरव कहलाते थे, इस देश की शान कहलाते थे, वो आज सड़कों पर बैठे हैं। उनकी जो मांग है वो मांग केवल एक है कि आप देखेंगे कि उन्होंने केवल आरोप लगाए हैं और 7 बेटियों ने अब तक एफिडेविट दिए हैं कि बृजभूषण सिंह ने उनके साथ गलत हरकत करी, उनका यौन शोषण किया, और पोक्सो एक्ट उसमें लगा हुआ है, और 2012 के बाद में पोक्सो एक्ट के अंदर एक प्रावधान है कि जैसे ही पोक्सो एक्ट लगता है तो आरोपी की गिरफ्तारी बहुत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि सरकार आरोपी को बचा ही नहीं रही, जबकि इस धरने को बार बार अलग अलग तरीके की बातें करते हुए और उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी 2 दिन पहले बरसात हुई थी, बेटियों ने जो है ना बेड की व्यवस्था के लिए बोला था,
और जब वहाँ बेड पहुँचाने के लिए आए तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई और हमारे दो पहलवानों के साथ मारपीट की गई और उनका सर तक फोड़ा गया। आज का प्रदर्शन इस तानाशाही के खिलाफ, इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ नारोल की जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने साथ लेकर के किया है। और सरकार कहती है कि ये राजनीति करते हैं जहां वो समर्थन देने जा रहे हैं। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जब ये महिला खिलाड़ी या हमारे भाई खिलाड़ी जब मेडल लेकर के आए थे तो उनके साथ सेल्फियां खिलाने के लिए, सेल्फियां लेने के लिए अपने ऑफिस में किसने बुलाया था? क्या उस समय राजनीति नहीं की गई थी? आज वो सड़क पर बैठे हैं, उनकी कम से कम बात तो सुननी जानी चाहिए। तो आज के प्रदर्शन को अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम यहाँ की जनता के साथ दिल्ली कूच करेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार की जो आंखें हैं वो खोलने का काम करेंगे। बीजेपी, आप कह रहे हैं कि जैसे एक सांसद है इसी वजह से ये एक्शन नहीं लिया जा रहा, अगर हम बात करें विनेश फोगाट की तो उनके घर में उनकी बहन है, वो अभी तक उनके समर्थन में नहीं पहुंची। मैं फिर वही बात है कि राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस देश के जो सभी पहलवान है उनको इनके साथ आना चाहिए, खिलाड़ियों को इनके साथ आना चाहिए। ये केवल एक विनेश फोगाट की, साक्षी मलिक की या बजरंग की लड़ाई नहीं है, ये इस देश की उन लाखों हजारों बेटियों की लड़ाई है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हम अपनी बेटियों को वैसे ही खेलने के लिए बाहर नहीं भेजते कि उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ये लड़ाई केवल उन बेटियों को बचाने की है, आने वाली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई अकेले विनेश फोगाट या साक्षी मलिक की लड़ाई नहीं। बड़ा बयान आया था अपने आप में, अलग टिप्पणी सी थी वो, जो सांसद जिनके ऊपर आरोप है उन्होंने कहा मैं शिलाजीत नहीं, खाके सोता इतनी, उस पर क्या कहा? आप देखेंगे कि ये जो सांसद महोदय है इनके ऊपर पहले से भी कई सैकड़ों FIR दर्ज है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। और वो खुद टीवी चैनल के ऊपर अपने आप को एक बाहुबली सांसद के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। तो हम ऐसे जो बाहुबली सांसद हैं जिनके ऊपर इतनी FIR दर्ज है, उनके ऊपर आज जो आरोप लगाए गए हैं, हम कैसे उससे किनारा कर सकते हैं कि वो आरोप सही नहीं हो सकते? चलिए, और भी बहुत साथी यहाँ पर मौजूद है। जी सतपाल के प्रधान है जी, बोलना चाहो जीतू भाई, अब आप आ जाओ, कोई बात जो साथी बोलना चाहे वो बताओ। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो देश की जो बेटियां हैं जिन्होंने देश के मान सम्मान के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर देश के गौरव को बढ़ाने में दिन और रात एक कर दिए और देश के मान सम्मान को उच्च पटल पर पहुंचाया है, लेकिन आज उनके साथ जो हो रहा है बड़ा ही निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और कोशिश करते हैं कि भी आम आदमी को भी है ना उनके पक्ष में आकर उनके हक की लड़ाई लड़ने में मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। धन्यवाद जी। नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम ज्योति सैनी है। तो यहाँ इसके समर्थन में आए यहाँ पहलवानों को? हाँ जी। कौन सा संगठन, क्या मतलब? कोई संगठन नहीं है जी। आज देश की बहन बेटियाँ सड़कों पर उतरी हैं, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही हैं। मैं उनके लिए आई हूँ, मैं देश की बेटियों के साथ हूँ, मैं देश के पहलवानों के साथ हूँ, मैं देश की खिलाड़ियों के साथ हूँ। और जहाँ भाजपा सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, 9 साल बीत चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकार का ये नारा कहीं भी रंग ला रहा है, क्योंकि हम लगातार सड़कों पर ही आ रहे हैं। जहां लोग अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते, वहां खिलाड़ियां अपना रुतबा दिखाकर देश के गौरव का सम्मान लेके आ रहे हैं, वहां आज उनके सम्मान की कोई इज्जत ही नहीं कर रही है सरकार। तो आगे आगे हमें भी निकलने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि सरकार हमारे लिए क्या करेगी। अच्छा, एक बड़ा सवाल उठता रहता है कि 2012 के बाद ये जो ना इंसिडेंट हुए, फिर उसके बाद अभी तक कोई शिकायत नहीं करी गई विनेश फोगाट की तरफ से? इस बारे में आज आप जी, मैं अजीत जैन, संरक्षण सीनियर सिटीजन नारनौल। मुझे बड़ा ही दुख होता है ये देखकर कि हमारी पहलवान बहनें जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है और सभी आप लोग उनसे परिचित हैं, वो बार बार सभी के सामने कह रही है कि इस तरह की यौन शोषण की घटनाएं हम लोगों के साथ हुई है जिसकी खुली जांच होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं खुद भी विधि में स्नातक हूँ, खुद एडवोकेट हूँ, जब भी कोई लेडीज इस तरह का बयान दे देती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके FIR पर जो है नोट करने के लिए पुलिस को बोला, FIR दर्ज हुई, परंतु पुलिस ने कहीं भी कोई उनका बयान लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। और मुझे बड़ा दुख है कि एक सांसद को बचाने के लिए पूरी पूरी गवर्नमेंट
जो है उतर आई है और एक कल्प्रिट को, एक एक्यूज को बचाने के लिए वो लोग इस तरह से देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है किस तरह से अन्याय हो रहा है लेडीज पर, किस तरह से लेडीज के साथ बर्ताव हो रहा है, खुला उनका शोषण किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। ये बड़े अचंभे की बात है कि महिलाओं के ऊपर, देखो इनके सिर फूटे हुए हैं, आप थोड़ा निगाह करें, थोड़ा कैमरा उधर घुमाए कि उनके सिर फूटे हुए हैं और किस तरह से महिलाओं को मारा गया, किस तरह से पीटा गया। क्या यही ये गवर्नमेंट चाहती है, महिलाओं का इसी तरह से प्रताड़ित करें, एक तो उनका यौन शोषण हो और ऊपर से हम लोग उनको प्रताड़ित करें, उनके ऊपर इस तरह से अत्याचार करें। इस देश के लिए बड़ी लज्जा वाली बात है किस तरह से कुछ हो रहा है, हम इसका घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। तो आज नारनौल के अंदर काफी कुछ हुआ यहाँ पर, जो ना प्रदर्शन किया गया है, और भी बहुत सारे साथी हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट।